फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने कल व्लॉग खत्म किया था ना, वहीं से भी आगे कंटिन्यू किया है। तो अभी जी हम लोग अपनी ना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आए हैं, टिम हॉर्टन पे हम लोग आए हैं। अभी कहते हैं अगर आप कैनेडा में आए और यहाँ पे काफ़ी ना पिए तो फिर ये गलत बात है ना, बहुत ही फेमस जगह है। तो बस ना अभी जल्दी से चलते हैं अंदर, इसके बाद हमने एक और डेस्टिनेशन पे जाना है। तो पहले जल्दी से अंदर से ले लेते हैं काफ़ी और फिर हम लोग निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। इधर सामने है पिज़्ज़ा हट और इधर है जी तंदूरी फ्लेवर, इंडियन रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे कोई। तो अभी बच्चों को निकाल लें फिर हम लोग निकलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, भाग भाग खर्ची हो रही है। गाड़ी भी हमारी इधर पार्क है, बातें करते हैं जी ख़त्म और चलते हैं जी अंदर और इनका मेन्यू चेक करते हैं। चले। ये है जी भी इनका सारा मेन्यू सामने स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। हम लोग भी यहाँ से भी क्या ऑर्डर करते हैं अभी आप लोग। सेम स्प्रिंकल वन, ओके, एवरीथिंग लुक्स गुड मैस, यस एवरीथिंग लुक्स गुड, यम्मी यम्मी। अभी जी हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, बच्चों ने डोनट लिए हैं साथ में इनकी काफ़ी, ऑब्वियसली मैं काफ़ी के लिए ही अंदर आई क्योंकि इनकी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। थैंक यू, सर्विस हमारी काफ़ी आ गई। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे डोनट ले दो, मैंने बैग में डाल दिया और काफ़ी सैफी भाई ने पकड़ी हुई है। चलो आ जाओ इधर हियर यू गो, चलो लेट्स गो, चलो ध्यान से निमरा, लेट्स गो, मूव, इट्स ओके, या यू आर वेलकम, ऑलराइट देयर, थैंक यू। चलो चलो जल्दी, सभी चाबी है क्या तेरी? ओके ओके, फाउंटेन की जो सबसे टॉप फ्लेवर की काफ़ी है वो इस वक्त मेरे हाथ में है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, थोड़ी सी कूल डाउन होती है फिर इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। मैंने उनको कहा था जो फ्लेवर सबसे पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा सेल होता है ना, आप ना वो मुझे बना के दीजिए, अभी हम ट्राई करते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म है। We are heading to our next destination. जी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है फूलों का बाग। इतना ज़बरदस्त बाग है कि हर साल दुनिया भर से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की तादाद से लोग आते हैं और जब भी विक्टोरिया में आते हैं तो वो पार्क को ज़रूर विजिट करके जाते हैं। इसकी जो टिकट है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट ना $35 के पास पर पर्सन है, लेकिन देखने वाली जगह है, वॉर्थेड है। यहाँ पे जी निमरा को भी नींद आ रही थी और निमरा भी सो रही थी, हैदर तो ऑलरेडी पहले ही सो गया था, आपको पता है हमेशा गाड़ी में बाद में बैठता पहले सो जाता है। साइन नजर आ गया, अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, अभी जल्दी से चलते हैं अंदर, आप भी हमारे साथ चलिए और मिलके एक्सप्लोर करें।
फूलों वाला तो बाग हमने देख लिया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा था। अभी हम लोग पहुँचे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो है जी बटरफ्लाई गार्डन। अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं, विक्टोरिया बटरफ्लाई गार्डन। जल्दी से अंदर चलते हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं भाई इनका क्या हिसाब किताब है। आते ही हम लोग आए मेन काउंटर पे, वो मैस यहाँ पे खड़े होकर सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगे। तो मैंने कहा जब तक मैस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मैं ना आप लोगों को इधर साइड पे एक छोटा सा उन्होंने स्टोर बनाया था ना, उसका ना टूर देती हूँ। इतना ज़बरदस्त स्टोर था, इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी यूनिक सी चीज़ों ने उन्हें कलेक्ट करके रखा हुआ था, जो कि आप गिफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आपने अपने लिए बाय करना तो ले सकते हैं। और यहाँ पे बच्ची जिद कर रही थी अपने पापा को कि मुझे यही फ्राक चाहिए बटरफ्लाई वाला। थोड़ा सा मैंने आगे जाके देखा तो इतना ज़बरदस्त उन्होंने ऊपर सारी रूफ़ को ना बटरफ्लाई के साथ कवर किया था, लेकिन ये रियल नहीं थी, ये फेक वाली थी, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैस ने मुझे बताया कि इस पार्क की जो टिकट है ना अंदर जाने के लिए $18 है एक पर्सन की। तो बच्चों से पूछा तो बच्चे कहते कि जी नहीं, हम लोगों ने नहीं जाना। अब ये नहीं समझेगा कि टिकट का करके नहीं गए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गई, मैंने एक्सप्लोर किया। वो मैस बच्चे कहते थे हम लोगों ने नहीं जाना। चलो चेक करे बच्चे क्या कर रहे हैं। जाने लगे थे बैक टू द फेरी ना, बस स्टॉप पे ना बस का वेट कर रही है। हम लोग भी अभी वापस आ चुके हैं। जितना भी हम लोग ना विक्टोरिया को एक्सप्लोर कर सकते थे एक दिन में हमने किया। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। देखिए निमरा तो मेरी इधर सो रही है, मेरा पारो पारो बच्चा। फिर अभी वही सारा प्रोसेस होगा, जैसे हम लोग आए थे ना वैसे सारा प्रोसेस करके हम लोग वापस ना जाएंगे। मुझे ना सबसे शॉकिंग चीज़ ये लगती है कि ना मतलब चलो गाड़ियाँ तो माने कि चलो जाती हैं फेरी में, जब मैं इतने से बड़े ट्रक देखती ना ये भी सारे फेरी में ही जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा बंदा को सरप्राइज लगता है कि भैया किश्ती में भी इतना सारा कुछ वजन लेके जाना है, चेक करो भी कितना बड़ा ट्रक का किसी चीज़ का टैंकर है, पता नहीं किस चीज़ का। सुबह का ना सिर्फ एक बोतल पानी की पी है, तो अभी ना सर्विस कराना शुरू हो गया। वो सामने है जी, देर कहाँ थे आप? मेरा शहजादा नूरी की गाड़ी में था, आपने मुझे मिस किया। Nimra's not gonna sit there. That's your car seat. No, not in my car. I'm right here. No. तंग कर रही हो आके फिर हमें? अच्छा बताओ नूरी की गाड़ी में क्या करके आए हो? नूरी चार साल खेली मैं और जामी। अच्छा हसान के साथ खेले हो आप? जामी खेले हैं। और क्या किया? नूरी को सर मार रहा है। क्यों मार रहा था? Like this. Oh, क्यों मारा था? गाड़ी में। अच्छा गाड़ी में मारे थे? मारते नहीं है ना, आपने कहा नहीं उसे नहीं को? नहीं ना मारा है। अच्छा तो फिर आपने कहा नहीं कि मारते नहीं है? नहीं नूरी ने मारा, मैंने नहीं मारा। अच्छा है। आपने नहीं मारा, नूरी ने मारा है। भाई मोर देन आधे घंटा वेट करने के बाद अभी जी गाड़ियों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अभी डिफरेंट व्यू है, जब आए थे ना उसको तो डिफरेंट व्यू था, अभी वापस जा रहे हैं तो डिफरेंट व्यू है। लोग अंदर चले भी गए ऊपर, वो देखो। हाँ लोग गाड़ियां लाके चले गए। बैग में सबकी जैकेट मैंने उठा ली है। और हम लोग भी इधर आके बैठ चुके हैं। काफी एम्प्टी है और दूसरी फेरी की फेरी है ना बहुत ही ज्यादा क्लीन भी है। और आधी आधी जो फैमिली है वो बाहर चली गई है और हम लोग आधे इधर है। निमला नहीं जा रही, मम्मा मुझे डर लग रहा है इधर ही।
मम्मी भी उधर बैठी है क्योंकि नूर सोया हुआ है। मैस गए हैं नीचे शमसाबाद जी और साहब भाई को लेने के लिए, उनका थोड़ा सा पता नहीं वो हो गया था, साइड किया, थोड़ा सा आगे जाके बैठते हैं। वहाँ पे है ना छोटा सा प्ले एरिया भी बनाया हुआ है, तो कहा कि बच्चे चले सारे वहाँ पे है ना खेलते रहेंगे, इंजॉय कर लेंगे, हम लोग भी आराम से बैठ सकते, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हैदर गो प्ले, हैदर गो प्ले, ये देखिए भी उन्होंने कितना ज़बरदस्त था बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया है। बाहर थे और अभी स्पेशल अंदर आए हैं, मुझे कहते हैं कि आ जाओ बाहर, मैंने कहा भी मेरा बंदा मैंने बाहरों लैन आया स्पेशली, तो मेरा हक बनना मैं ज़रूर जाऊँगा, तो भी मैं जा रही हूँ। मैंने कहा सर्दी कह रहे नहीं सर्दी क्या, हाँ ये उससे बहुत बड़ा है वो, देखिए वो रेट का है इस वाले पोर्शन से भी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाना चाहते। मैंने कहा बता दे कि धक्का तो नहीं देना मुझे तो मैं नहीं आती, कहते नहीं नहीं बाहर बैठ भी सकते हैं, और हमारे का जो प्रेशर भी है ना बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अभी आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ, जस्ट 1 मिनट वो तो कह रहे हमारी पिक्चर, हाँ पिक्चर बना के आके आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ भैया जी देखिए कैनेडा का फ्लैग है, और देखिए जितनी प्रेशर से बोट मूव हो रही है ना कश्तियाँ, देखे पीछे कैसे वेव्स बन रही हैं, इतना सीरियस फील हो रहा है। पानी ना जो है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना पीसफुल लगता है, बट है ना बहुत ही ज्यादा। अगर आपको स्विमिंग नहीं करना आता, बेशक स्विमिंग करना भी आता हो तो इतने डीप पानी में बंदा कैसे मतलब मैनेज कर सकता है, ये तो कोई प्रोफेशनल लोग ही होंगे जो मैनेज कर सकते होंगे। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, बस उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप लोग जाके अपनी गाड़ियों में वापस बैठ गए, और काफ़ी हद तक सारी फैमिली चली गई, तो बस अभी हम लोग भी जाने लगे। ऐसा फील होता है जैसे कभी लाइक आप एरोप्लेन में बैठे हो। क्लीनिंग स्टार्ट भी हो गई है, तो उन्होंने फिर वापस लेके जाना, हर 1 आवर के बाद इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, कैनेडा से विक्टोरिया, विक्टोरिया से कैनेडा। शिप से भी हम लोग आ चुके हैं बाहर, 256 क्या अच्छा कनाडा में वापस जबरदस्त सामने लगता अपार्टमेंट है ना मैस, वो सामने अपार्टमेंट है।
और फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं जायका बारबेक्यू। भाई साहब कैसे होनी पहुंचे चले। शहजादा मेरा जो है ना वो ना सोया हुआ है, उसको निकाल लेते हैं। खाना शाना भी हम लोगों ने खा लिया था, वापस आ चुके थे जी गाड़ी में। अंदर मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि आज इतना रश था ना, इतना लोग खाना माशाल्लाह खाने में बिजी थे। मुझे नहीं था कि कोई भी ना वीडियो में आए, तो फिर मुझे ना वो वीडियो में एडिट करना बहुत ही ज्यादा ना मुश्किल लगता है। तो बस इस वजह से चाय शाय पी बाहर बैठ के काफी देर गपशप किया। इतना जबरदस्त मौसम था ना, हमने खूब इंजॉय किया। और अभी जी टाइम काफी ज्यादा हो रहा था, 10:14 हो गए हैं, 20 मिनट नहीं 26 मिनट हमें लगने हैं घर वापस जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ जाने पर। तो अभी हम लोग जी निकल चुके हैं, इंशाल्लाह ताला भी मिलते हैं आप लोगों को ना घर जाके। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स वी आर बैक होम, अल्लाह तेरा शुक्र है। उधर उधर उधर, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर को, इधर मेन रोड है। हाँ जी हाँ जी, चलो चलो खेलो खेलो, मेन रोड है, अभी उधर को चले जाओ। मैंने कहा मेन रोड चलते हैं। हाँ जी अम्मी जी गाड़ी शाड़ी पार्किंग कर दी है, अभी निकलते हैं अंदर के लिए। अभी कहीं नहीं निकलना, मेरा कहने का मतलब ऊपर चले। मिलते हैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।